असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और बहुत मज़े में होंगे आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी आज हम बनाएंगे मटन साग आपने साग तो बहुत तरह के खाया होगा लेकिन मटन साग नहीं खाया होगा तो इसके लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं साग चाहिए दो किलो पालक चाहिए एक घुटी बाथू चाहिए एक घुटी सब्ज़ बेचे एक पाउन को हमें ग्राइंड कर लिया है और नमक चाहिए हमें तीन खाने के चम्मच तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं अच्छा जी तो एक बड़ी देखची कि मैं हमने दो ग्लास पानी का लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है इसके अंदर हम साग डालेंगे सारा साग शामिल नहीं करेंगे थोड़ा सा साग बचा लेंगे तो फिर आपको बाद में बताते हैं कि उसका क्या करना है अब हम इसके ऊपर पालक डालेंगे पालक भी हम सारी शामिल नहीं करेंगे थोड़ी सी बचा लेंगे और अब इसके ऊपर हम बाथू शामिल कर देंगे बाथू भी थोड़ा सा बचा लेंगे इन सबको थोड़ा थोड़ा बचाने की वजह यह है कि देखची में अभी फ़िलहाल इतना ही आया है अच्छा अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और जो सब्ज़ मिर्ची हमने ग्राइंड करके रखी थी वो हम सारी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे वो थोड़ी सी हम बचा लेंगे बाद में जो तड़का लगाना है उसमें काम आएंगी हाँ जी तो मैं आपको बता रही थी कि साग इसके अंदर सारा क्यों नहीं डाला एक्चुअली ये जो देखची है इसमें स्पेस अभी इतनी है कि इसमें थोड़ा सा साग आया है तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये नीचे जाता जाएगा और इसमें स्पेस बंधी जाएगी तो हम इसमें बाकी का साग भी शामिल कर देंगे पालक और बाथूम भी शामिल कर देंगे और अगर आपके पास खुला बर्तन है तो आप सारा आप एक साथ ही भी डाल सकते हैं अच्छा जनाब इसको हमने कवर करके तीन घंटे के लिए पकाना है पहले हम इसकी आँच तेज़ रखेंगे जब इसको एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसकी आँच स्लो करेंगे और इसको तीन घंटे के लिए तकरीबन पकाएँगे इतनी देर में साग गल भी जाएगा और बीच बीच में चम्मच हिलाते जाएंगे और मिलते हैं हम आपसे फिर तीन घंटे बाद हाँ जी जनाब तीन घंटे हो चुके हैं और साग हमारा बिल्कुल गल चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसको ऐसे गोटा लगाते जाएंगे आटा हमने एकदम से सारा नहीं डालना हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और इसको हिलाते जाना है अगर हम एकदम से सारा आटा डालेंगे तो इसके अंदर गुटलियाँ बन जाएंगी हमने साग को तब तक घोटना है जब तक ये बिल्कुल एक जान नहीं हो जाता साग का अच्छा टेस्ट इसके अच्छी तरह से घोटने पर भी डिपेंड करता है जैसे आजकल एक ट्रेंड आ गया हुआ है कि लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो ग्राइंड करने से तो इसका वो टेस्ट नहीं बनता जो हाथ की मदद से इसको हम घोटते हैं अच्छा जी इसका अगर तो साग बहुत नरम हुआ और अच्छे से गल गया होगा तो इसको सिर्फ छः सात मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा अदरवाइज़ अगर थोड़ा ढीठ किस्म का है तो इसको फिर दस बारह मिनट लग सकते हैं तो चले जी हम इसको घोट लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं हाँ जी जनाब तो साग हमारा घोट हो चुका है और अब हम आपको बताते हैं कि साग को मज़ेदार लाजवाब और यूनिक कैसे बनाना है उसके लिए एक सीक्रेट है और सीक्रेट ये है कि हमें उसके लिए चाहिए बकरे का गोश्त आधा किलो लिया है और हमने लिया है सीने का गोश्त आप कोई भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं और अगर आप बोनलेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं सीने का गोश्त लेने की वजह यह है कि ये बहुत मजे का होता है लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें तीन चाय के चम्मच और ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए हमें जो हमने बचा के रखा था थोड़ा सा नमक चाहिए हमें एक खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया चाहिए एक खाने का चम्मच और हल्दी चाहिए एक चाय का चम्मच इसके अलावा हमें घी चाहिए एक कप या ऑयल हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और दो बड़ी साइज़ के प्याज इनको हमने स्लाइसिस में काट लिया है इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए और हरी प्याज का हरा हिस्सा जो होता है उसको हमने लहदा से काट के रख लिया है और हरी प्याज का जो ऊपर वाला वाइट पार्ट होता है उसको हमने लहदा से काट के रख लिया है क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छा जी तो हमारा जो प्याज है वो हमने रख दिया है चूल्हे पे और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे जब तक प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो ये थी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी तो प्याज़ हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने बना के रखा था तीन खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे और इसको एक डेढ़ मिनट के लिए हम भूनेंगे आज की हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है इनशाला क्योंकि मटन गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है या यूँ कह लेंगे ये हमारी सिग्नेचर रेसिपी है अच्छा जी अब हम इसके अंदर स्पाइसीज़ ऐड करेंगे और जो हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था थोड़ा सा बचाया था वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको एक डेढ़ मिनट के लिए भूनेंगे साग बनाना भी एक आर्ट है ये हर इंसान बहुत अच्छा साग नहीं बना सकता इसका भी एक बहुत ख़ास तरीका होता है साग बनाने का इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम परफेक्ट साग बना सकेंगे सरसों का साग हो और साथ मकई की रोटी हो और मक्खन क्या बात है आज तो वीडियो यही बहुत लंबी हो जाएगी पूरा दिन भी निकल गया साग के ऊपर ये तो इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में आपको बेसन की रोटी भी बनानी ज़रूर बताएंगे हाँ जी जनाब तो प्याज़ और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून हो चुके हैं और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है अब हम इसके अंदर डालेंगे सब उस प्याज़ का सफ़ेद हिस्सा जो हमने लहदा से काट के रखा हुआ था अच्छा जी प्याज़ को हम दो से तीन मिनट तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाता है सब्ज़ प्याज का एक अपना ही टेस्ट और एक अपना ही ज़ायका और एक अरोमा होता है जो कि खाने की लज्जत को बढ़ा देता है और ये हमें सिर्फ़ सर्दियों में ही नसीब होता है क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ प्याज हमें मिलती नहीं है जैसे हमें साग गर्मियों में नहीं मिलता अच्छा जी तो प्याज हमारा भून हो रहा है ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है बहुत ही प्यारी लाजवाब अच्छा जी अब हम इसके अंदर मटन शामिल करेंगे अच्छा जनाब मटन हमने इसमें लिया है सीने का आप चाहें तो आप कोई भी ले सकते हैं आ, मतलब बोनलेस भी ले सकते हैं किसी और हिस्से का भी ले सकते हैं आ, सीने का गोश्त लेने की वजह यह है कि एक तो ये बहुत ही मज़े का बनता है अगर हम इसको मतलब साग में डाल के ना भी बनाए अगर हम इसको अलहदा भी बनाएं तो भी ये बहुत मज़े का बनता है और ये लेने की दूसरी वजह यह भी है कि ये जो जब हम इसको भूनेंगे तो इसकी जो हड्डियों का कचरा है वो साग में शामिल नहीं होता जो कि बहुत ही मतलब इरीटेट सा करता है जब खाने के दरम्यान में अगर हड्डी आ जाए खाने में तो ये इसका कचरा नहीं बनता तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है गोश्त को हम पाँच सात मिनट के लिए भूनते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और फिर हम इसमें पानी डाल के इसको गलाएंगे अगर हम गोश्त को पहले गला लें और उसके बाद में हम इसकी बुनाई करें तो एक तो गोश्त है वो खुल जाता है दूसरा ये होता है कि उसकी बुनाई अच्छी से नहीं होती और उसका जो कच्चा है वो भी ख़त्म नहीं होता हाँ जी जनाब तो दो से तीन मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा भून हो रहा है खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इसको हम तकरीबन एक दो मिनट के लिए और भुनेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे छः सात मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा भून हो चुका है माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे एक गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाँ जी तो पानी डाल दिया है हम प्रेशर कुकर को बंद करके दस मिनट के लिए गोश्त को गलने देंगे चलें जी तो गोश्त हमारा गल चुका है इसको हमने कढ़ाई में निकाल लिया है अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ अब हम लगाएंगे साग को तड़का उसके बाद हमारा मज़ेदार साग रेडी हो जाएगा हमने इसके अंदर सिर्फ़ एक प्याले ही ऑयल डाला था बाकी इसकी जो चकनाई है ये गोश्त ने अपनी ही छोड़ी है इसके अंदर हम साग शामिल करेंगे बिसमीम ये देखने को फ़िलहाल इसमें घी ज़्यादा लग रहा है लेकिन जब हम इसमें साग मिक्स करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा आराम आराम से चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको प्यार प्यार से मिक्स करते जाएंगे इसको मिक्स करने के बाद हमने छः से सात मिनट तक इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि जो मटन का टेस्ट है वो साग के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए और जो साग का टेस्ट है वो मटन के अंदर आ जाए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारा जो साग है ये बहुत ही मज़े का बनेगा आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आपने हमें ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा जी तो छः से सात मिनट हो चुके हैं और हमारा साग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जट हो चुका है और ये तकरीबन तैयार है अब हम इसके ऊपर जो हमने हरा धनिया और हरी प्याज का जो हरा पार्ट था काट के रखा था वो हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए साग के ऊपर हरी प्याज डालने की एक वजह ये भी है कि ये जो आ, हरी प्याज को हम तड़के में डालते हैं और इसका जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा जायका आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है और वो बहुत ही मज़ा देता है ख़ासतौर पे साग में इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो हम इसमें जब अंडा फ्राई करते हैं ऑमलेट बनाते हैं उसके अंदर भी हम शामिल कर सकते हैं और जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसके अंदर भी डालते हैं ये बहुत ही मज़ा देता है माशाल्लाह खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और साग हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है अब हम इसको एक दो मिनट के लिए बस इसको बनाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारा साग कैसा बना है हाँ जी जनाब तो ये है हमारी मटन साग रेसिपी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह ये देखें गर्मा गर्म मटन साग और साथ मक्खन गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं चाहे आप मकई की रोटी के साथ खाएं और चाहे आप देसी घी के लच्छेदार पराठे हो उसके साथ आप ये खाएं क्या बात है उम्मीद है जनाब आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुश रहें और ख़ुशियाँ बाँटें अल्लाह हाफिज़